तेलंगाना हुकूमत ने इब्राहिम पटनम में खानदानी मंसूबा बंदी यानी फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन के वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। रंगारेड्डी DMHO स्वराजी लक्ष्मी और DCHS झांसी लक्ष्मी का तबादला कर दिया गया है, जबकि ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर सुनील कुमार के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बताया गया है कि जुमला 13 अफराद के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की गई है। ऐसे वाक़ियात के इरादे को रोकने के लिए हिदायत जारी की गई है। 25 अगस्त को इब्राहिम पटनम में 34 खवातीन का फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन किया गया था, ताहम इलाज में नाकामी की वजह से 4 खवातीन की मौत हो गई थी। RTC के चेयरमैन बाजी रेड्डी गोवर्धन ने अपने ज़िला आदिलाबाद दौरे के मौके पर म्यूनसिपल चेयरमैन जोगू परमिंदर के साथ आज हफ्ते को आदिलाबाद RTC बस स्टैंड का मुआयना किया। उन्होंने RM से मुसाफिरों को फराहम की जाने वाली सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया और मुसाफिरों से बात करते हुए उनकी राय भी हासिल की। इस मौके पर म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमजानी, RM कल्पना, MPP टी श्रीनिवास और दीगर मौजूद थे। యాక్చువల్లీ వన్ ఇయర్ బ్యాక్ సంవత్సరం క్రితం మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు నాకు DSRT చైర్మన్ గా నియమించిన తర్వాత నియమించకంటే ముందు ఉన్నటువంటి పరిస్థితి, నియమించిన తర్వాత ఎదుర్కొన్న పరిస్థితి, ప్రస్తుతం సంవత్సరం తర్వాత మరోజు కరోనా పరిస్థితులు వచ్చిన తర్వాత ఇంకా పరిస్థితి RTC పరిస్థితులు ఉండేటప్పుడు దీనిలో పనిచేసే సిబ్బందికి కూడా మరింత బాగుంది. ప్రతి ఒక్కరిలో కూడా ఒక నిరాశ कास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी TV पर आप BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तियाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुँचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।